दोस्तों जय हिंद डॉगीज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। बहुत ही बढ़िया कंपैरिजन आज डॉबरमैन और रॉटवेलर का, बहुत ही अवेटिंग वीडियो था, काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। आप देख सकते हैं फर्स्ट टाइम ये देखिए, ये डॉबरमैन और ये है हमारा रॉटवेलर। आप कद का देख सकते हैं डॉबरमैन का, बहुत ही बढ़िया, और रॉटवेलर तो नो डाउट एवरग्रीन, आप कई सालों से देख ही रहे हो, उसके बारे में जितना का उतना कम है। दोनों ही बेस्ट फैमिली प्लस गार्ड डॉग है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों, दोनों ही बेस्ट प्लस गार्ड डॉग है। बट दोस्तों अभी क्या है, और मैं ये वीडियो लॉन्ग नहीं बनाऊंगा कि लोग मुझे कहते हैं भैया अभी आप सुबह सुबह टाइम में 7 बज रहे, बट अभी गर्मी इतनी कि इनका जीभ निकल गया, तो इनको अंदर करना है। तो हाँ, जैसे ही ठंड का टाइम आएगा, मैं लंबे लंबे वीडियो में, ठंड में इनके लिए कंफर्टेबल इन्वायरमेंट रहेगा, तो इनके लिए लॉन्ग वीडियो मैं आप लोग के लिए लेके आने वाला हूँ। बट जब तक ठंड नहीं आता दोस्तों, थोड़ा आप इंतजार कीजिए, छोटे छोटे वीडियो में थोड़ा सा काम चलाना स्टार्ट कीजिए। ठंड में दोस्तों बहुत लॉन्ग वीडियो आने वाला है। एंड अगर बात दोनों ही दोस्तों बहुत ही बढ़िया फैमिली प्लस गार्ड डॉग है। अगर आप चाहते हैं ऐसा डॉग जो आपके बच्चों के लिए फैमिलियर ले प्लस आपके घर को प्रोटेक्ट करे, तो इन दोनों डॉग्स के ऊपर कोई भी डॉग नहीं आता। दोनों ही रफ एंड टफ है, दोनों की मेंटेनेंस बहुत कम है, ग्रूमिंग की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। आप देख सकते हैं ये, जैसे हम दोनों शॉर्ट हेयर है, तो ग्रूमिंग की रिक्वायरमेंट नहीं बनती, रफ एंड टफ डॉग ब्रीड है। हाँ, डाइट दोस्तों जाहिर सी बात है, आप जितना बढ़िया डाइट रहेंगे उतनी अच्छी मेंटेन हो पाएगी। कई बार कहते हैं भैया दोस्तों में तो डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। एंड एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप ये दोनों ब्रीड के बारे में सोच रहे हो तो एक्सरसाइज के बारे में दिमाग में चलना कि एक्सरसाइज होना बहुत जरूरी है। अगर एक्सरसाइज नहीं है तो आप नहीं करवा सकते। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इस ब्रीड को साथ मत लीजिए, इसका नाइंसाफी मत कीजिए, तो ये ब्रीड को लेना ही नाइंसाफी होगा। तो एक्सरसाइज बहुत करना, अगर आप सोच रहे हो कि हाँ सुबह शाम आप रनिंग करा सकते हो, सुबह शाम एक्सरसाइज कर सकते हो, आपको खुला डुला स्पेस है, तो आंख बंद करके इस ब्रीड को ले लीजिए। अगर आपके पास स्पेस का इश्यू है, एक्सरसाइज नहीं है, टाइम नहीं कर सकते, प्रॉपर डाइट नहीं दे सकते, तो इस ब्रीड के बारे में भूल जाओ इसको लेने के बारे में। और बहुत ही लॉयल है अपने ओनर्स के लिए। और ये देखिए खूबसूरती दोस्तों, वाकई ही बहुत खूबसूरत है। एक लॉन्ग लूज मजल, एक हैवी हेड मजल, ये थक चुके हैं सुबह का टाइम, इसलिए मैं लॉन्ग वीडियो नहीं बनाऊंगा, इनका प्लेइंग वीडियो बनाऊंगा। बट बहुत जल्दी जैसे कि ये मौसम ठंडा होगा, तो अभी इनके अंदर एसी में जाने का टाइम हो गया, अभी आराम सोएंगे ये खाना खा के, सो इनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते, इसलिए शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों ये देखिए इनका दोस्ताना, ये दोनों खेलते हुए ये, और हाँ कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही बच्चे सेम एज के हैं। सबसे इंपॉर्टेंट खास बात, दोनों सेम एज के हैं। इनको अलग बांध रखा था कि मटर, देखो अभी मटर गस्ती करेंगे, आपको वीडियो नहीं शूट कर, इनको अलग अलग इनको बांध कर रखा था मैंने, ताकि देखो यह आप एक बढ़िया सा हमें एक वीडियो मिल जाए। देखो भाग गया, भाग गया ना, नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है, ये भाग गया ना, ये देखो ये देखो। मैं कभी भी अपने डॉग को दोस्तों बांध के रखना, कभी भी मैं बांध के रखने में यकीन नहीं करता मैं, अभी देखिए, पर ये वीडियो नहीं बनाते इसलिए मैं बांध के रखा था उनको मैंने फुल फुल मजे के मूड में। और यहाँ टाइसन अपने लेते हैं, टाइसन का मुझे खोल दो। तो ये देखिए बहुत ही एथलीट ब्रीड है, आपके चाहे फार्म हाउस हो, जितना बड़ा एरिया हो, ये दोनों कैपेबल है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। ये देखो अब फुल फुल चेकी वीडियो, तो ये भी इंजॉय कीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। ये थक गया, बड़े नहीं थका। हाँ क्या हुआ, क्या हुआ, ये तो फुल एथलीट ब्रीड डॉबरमैन रॉटवेलर। इच्छुक हो एक अच्छे ब्रीडर से आप ले सकते हैं। अभी इस ब्रीड के बाद डॉबरमैन काफ़ी डिमांड आने वाला है, पर मेरे भाई डॉबरमैन मेरे पास नहीं, बच्चे नहीं अवेलेबल है, तो उसके डिमांड्स बेस्ट है। और ये देखिए ये मैं स्मार्ट बॉय, थक गए ओ चलो कोई ना, आप भी थके, अरे स्टैमिना के मामले में तो डॉबरमैन ऊपर जा रहा है भाई इसकी स्टैमिना अच्छी लग रही है। गुड बाय चलो इस वीडियो को एंड करते हैं।